गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो टुडे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एडवांस ऑडर ट्रीटमेंट का नया लेक्चर, दैट इज रिमूवल ऑफ फ्लोराइड्स एंड टेस्ट एंड ऑडर. ठीक है, तो ये वाटर में एक्चुअली आपने देखा होगा कि फ्लोराइड्स, टेस्ट एंड ऑडर्स काफी ज्यादा ये होता है. ठीक है, अगर आप फ्लोराइड्स की अगर बात करो, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वाटर क्या होता है कि आपके सोर्स होता है. ठीक है, तो आपके सोर्स से लेके आपके घर तक आता है. ठीक है, आपके सोर्स से लेके आपके घर तक आता है, तो इसके बीच में वाटर जो होता है, तो वाटर जब सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट में आता है तो वो काफी ज्यादा कुछ अपने पाथ को ट्रैवर्स करके आता है. ठीक है, पाथ को ट्रैवर्स करके आता है, कुछ एक पाथ को फॉलो करके आता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब वो पाथ को फॉलो करते हुए आता है, ठीक है, तो वाटर में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे कुछ सेडिमेंट, कुछ अगर देखोगे तो बहुत कुछ मिक्स होता है. फ्लोराइड्स, मैग्नीशियम, क्योंकि वाटर एक ग्राउंड का पाथ ट्रैवर्स करके आता है. तो आप क्या होता है कि हम लोग जब अगर मैं पर्टिकुलरली विलेजेस की बात करूं, ठीक है, विलेजेस, ठीक है, तो विलेजेस में क्या होता है बच्चे, विलेजेस में जो वाटर जनरली यूज करते हैं, ठीक है, विलेजेस में, ठीक है, तो जनरली वो लोग ग्राउंड वाटर, मतलब कि वेल्स के वाटर यूज करते हैं. वेल्स मतलब कि आप समझ लो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज करते हैं. जब ग्राउंड वाटर यूज करते हैं तो ग्राउंड वाटर, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड्स रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, ऑब्वियसली कुछ रहेगा. ठीक है, आयरन रहेगा, मैंगनीज रहेगा. तो दैट्स व्हाई क्या होता है कि यहाँ पे जो भी इनके रिमूवल टेक्निक्स रहेंगे, वो उसमें से एक टेक्निक होता है जिसका नाम होता है, काफी प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, जिसको नालगोंडा टेक्निक. ठीक है, तो नालगोंडा टेक्निक जो होता है ये काफी अफोर्डेबल, चीपर भी है, इसको जनरली क्या करते हैं, इसको वो लोग गाँवों में यूज करते हैं. नालगोंडा टेक्निक, दैट टेक्निक इज जनरली यूज्ड एज फॉर रिमूवल ऑफ फ्लोराइड्स इन वाटर. ठीक है, एंड टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए एक्यूरेट कार्बन होता है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. हमने टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए मेथड पढ़ चुके हैं, एरेशन पढ़ चुके हैं, तो एरेशन भी टेस्ट एंड ऑर्डर जो होता है वो निकालने के काम आता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिमूवल ऑफ फ्लोराइड्स. हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ये दो कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट. तो मैं बात करूं रिमूवल फ्लोराइड्स इन वाटर का. ठीक है, तो फ्लोराइड इन वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्लोराइड्स को रिमूव करना, वाटर से रिमूव करना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमारे जो टीथ्स होते हैं, टीथ्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब हमारे टीथ्स के ऊपर, टीथ्स की वजह से. ठीक है, अगर मान लो वाटर में अगर एक्सेसिव फ्लोराइड रहेगा ड्रिंकिंग वाटर में, तो हमारे टीथ को क्या करता है, मॉटलिंग करता है, मतलब कि या तो टीथ का कलर फेड हो जाता है. ठीक है, येलो येलो कलर हो जाता है, फिर डेंटल फ्लोरोसिस होता है, एक बीमारी होती है. ठीक है, फिर आपका जो टीथ का एनामल होता है वो कलर, उसका कलर फेड कर जाता है. ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि आपका चिपिंग ऑफ टीथ हो जाता है. फिर सिविल केसेस में पड़ता है जो चिल्ड्रंस में. ठीक है, चिल्ड्रंस में आपका ये होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, एवरीथिंग, एनामल थोड़ा कलर ब्लैक कलर हो जाता है. ठीक है, तो इसके वजह क्या अपने टीथ की वजह से, या अगर फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहा, अगर फ्लोराइड अगर मिनिमम कंसेंट्रेशन इतना है, अगर उससे अगर ज्यादा रहा तो हमारे टीथ को प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, अब इंडियन कंडीशंस में क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई है. ठीक है, द अकरेंस इन मॉडलिंग केसेस इंक्रीजेस व्हेन फ्लोराइड एक्सीड्स 1. तो जैसे ही 1 मिलीग्राम पर लीटर के ऊपर अगर आपका फ्लोराइड अगर इंक्रीज करता है, थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो आपका मॉडलिंग ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सो विद हायर लेवल, अगर लेवल्स काफी ज्यादा हायर होगा, फिर बोन फ्लोरोसिस या स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्क्रिपलिंग इफेक्ट और ऑब्जर्व. ठीक है, तो ये भी अगर ज्यादा भी कर रहा था 10 मिलीग्राम पर लीटर, 12 मिलीग्राम पर लीटर, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो फ्लोराइड वाटर में आ कहाँ से सकते हैं, कौन सी जगह फ्लोराइड आ सकता है? फॉस्फेट रॉक में से फ्लोराइड आ सकता है, फ्लोर स्पार से आ सकता है, क्लोराइड होता है, इग्नियस रॉक्स होता है. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी फ्लोराइड कहाँ से आते हैं, आपका जियोलॉजिकल जो आपके लैंड्स होते हैं, जियोलॉजिकल लैंडस्केप होते हैं, यहाँ सबके फ्लोराइड मिनरल्स से आते हैं. तो मिनरल्स कहाँ पे रहते हैं? नेचर में रहते हैं. और इसका मतलब ये, अगर वाटर एक पर्टिकुलर नेचर से पाथ ट्रेवल करते हुए आएगा ग्राउंड से, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें ये सारे फ्लोराइड अगर दूसरे मिनरल्स में उसमें आ जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई फ्लोराइड जो होता है वाटर में, ये यहाँ से होता है. दैट्स व्हाई गांव में, विलेजेस में काफी ज्यादा प्रेडोमिनेंट रहता है फ्लोराइड वाटर में. अभी होता कैसा है फ्लोराइड का, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, तो अर्बन एरिया में कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स कर देते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन मिक्स कर देते हैं, सेडिमेंटेशन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो काफी फ्लोराइड निकल जाता है. सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपके फ्लोराइड्स निकल जाते हैं. बट जो गांव वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे, वो लोग ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करेंगे, उनके लिए स्पेशलिस्ट टेक्निक बनाएंगे. दैट्स व्हाई रिमूवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर इज अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ मेथड ऑफ वाटर. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फ्लोराइड्स की, तो फ्लोराइड जो होता है मोस्टली प्रेजेंट इन द ग्राउंड वाटर इन हाई कंसेंट्रेशन. तो कहाँ कहाँ पे, कौन सा स्टेट में मिलता है, याद रखना, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी, हमारे महाराष्ट्र के वाटर में अगर गाँव में होगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, पंजाब में, राजस्थान, तमिलनाडु. ठीक है,
विद मेजोरिटी वैल्यूज जो होता है फ्लोराइड का, कभी कभी ज्यादा 1 mg/L का मतलब कहां करता है 1.5 to 6 mg/L, ठीक है, और कभी कभी 16 mg/L तक, 18 mg/L तक भी वाटर में फ्लोराइड मिलता है, और कभी कभी 36 mg/L तक कभी रिपोर्ट किया गया है। ये इतना ये है फ्लोराइड का वो है, दैट्स व्हाई फ्लोराइड का रिमूवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे स्टेट महाराष्ट्र में भी। फ्लोराइड वाटर में, ग्राउंड वाटर में मिलता है। मैं अभी बता देता हूँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना फ्लोराइड सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, फ्लोराइड सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर में। वाटर अगर वेल का और वाटर रहेगा तो उसमें आएगा, सरफेस वाटर में थोड़ा सा प्रेडोमिनेंस कम रहता है, ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा आपको फ्लोराइड्स मिलेंगे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड नाउ। मैं अगर रिमूवल मेथड्स की बात करूँ, ठीक है, तो रिमूवल मेथड एक्चुअली जो मैं भी बैलेंस डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये काफी ज्यादा कॉस्टली टेक्निक है। द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव फ्लोराइड्स ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाईज फॉर इंडिविजुअल सप्लाईज इस सोलियन पब्लिक हेल्थ ग्राउंड, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज एंड हैज द एक्सेंट हैज टू बी सिंपलिसिटी ऑफ ऑपरेशन, चीपनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो होता है फ्लोराइड्स का, कहां पर होता है, रूरल एरियाज में होता है, ठीक है। अगर रूरल एरियाज में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके वो ऑपरेशन प्रॉपर होना चाहिए, सिंपलिसिटी ऑपरेशन में भी होना चाहिए, चीपनेस होना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए। अब ऐसा बड़ा बड़ा कुछ बना दिया हो तो वो प्रॉपर तरीके से होता नहीं है ना। सो दैट्स वाई एक गाँव में भी कैसा गाँव के लिए प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि गाँव में ये प्रोडोमिनेंट होता है, ठीक है। अब मैं ये मेथड जो होता है ये भी रिमूवल टेक्निक्स होता है, ठीक है, बट ये टेक्निक जो होता है ये टेक्निक्स गाँव में यूज नहीं कर सकते, ऐसा होता है कि इसके लिए थोड़ा सा कॉस्ट लगता है, ठीक है। वो फ्लोराइड एक्सचेंजर्स हो गया, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट हो गया, एनायन एक्सचेंजर्स हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सॉल्ट हो गया, तो ये सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं रिमूवल टेक्निक्स के हिसाब से, एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो फ्लोरीन एक्सचेंजेस, फ्लोरीन एक्सचेंजेस की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिग्रीस्ड अल्कली ट्रीटेड बोन्स जो होता है, बोन्स मतलब पता है जो के बोन्स जो एनिमल के बोन्स होता है, ठीक है, तो उससे आप एक एक्सचेंजर बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी इन्होंने यूज किया था बोन चारकोल बनाया जाता है, ठीक है, जिससे आप कंट्रोल्ड कंबशन ऑफ बोन्स करके अंडर लिमिटेड सपोर्ट ऑफ एयर उसमें कुछ अल्कली ट्रीट करके उसको बना सकते हो, ठीक है। तो बोन चारकोल कैसे बनाया जाता है, तो बोन्स को पहले कंबस्ट किया जाता है, बोन्स को पहले जलाया जाता है, ठीक है, जो बोन्स आपके एनिमल के बोन्स होते हैं, कोई भी ह्यूमन के बोन्स होते हैं, उनको जलाया जाता है विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, और उसमें कैटलिस्ट कुछ डाले जाते हैं और उसको उसमें फिर अल्कली और फॉस्फेट डाला जाता है, जिससे आप उसको बोन चारकोल बना सकते हो, ठीक है। तो ये बोन चारकोल बनाने का प्रोसीजर दिया हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ बोन चारकोल, इसके बाद रिमूविंग 1.1 kg ऑफ फ्लोराइड, मतलब कि अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ बोन चारकोल लिया तो आपने बोन चारकोल अगर बनाया, उसमें बोन चारकोल ऐसे कंबस्ट करके बनाया आपने, ठीक है, उसमें अल्कली फॉस्फेट डाला, तो उसमें अगर आपने 1 क्यूबिक मीटर का अगर बोन चारकोल लिया तो कम से कम 1.1 kg ऑफ फ्लोराइड वाटर से रिमूव कर सकता है, जो कभी जो कि अप टू कंटेंट कितना 6 mg/L ऑफ फ्लोराइड। तो ये काफी अच्छा नंबर है एंड काफी अच्छा टेक्निक फ्लोराइड एक्सचेंजर्स। फ्लोराइड एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है कि आपने वहां पर कुछ वाटर कॉन्टेक्ट में रखा, वो एक्सचेंज कर लेगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। The spent material can be regenerated with the help of trisodium phosphate. So trisodium phosphate, monofluorine phosphate, sir, spent material हो गया, उसको regenerate कर सकते हो। And exchanger में एक चीज होता है कि आपको regenerate कुछ chemical को spent material होता है, उसको regenerate करना पड़ता है। And वो regenerate हो जाता है, उसको वापस से उसको use कर सकते हो, ठीक है। Tricalcium phosphate in powdered form, इसको हम लोग use कर सकते हैं, but it is a lesser capacity, ठीक है। तो tricalcium phosphate का problem ऐसा है कि ये 1.1 kg निकल रहा है, तो ये सिर्फ 0.7 kg ऑफ फ्लोराइड पर मीटर क्यूब ऑफ ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। और इसमें जो स्पेंट मटेरियल होता है वो हम लोग अल्कली सॉल्यूशंस को 1% अल्कली सॉल्यूशंस को डालते हैं एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिंस कर लेते हैं, तो उससे जो स्पेंट मटेरियल होता है ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट वो आपका रिजनरेट होता है, उसको हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट और बोन चारकोल हम इसको यूज करके हम फ्लोराइड एक्सचेंजर्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आने वाली बात करूँ अनायन एक्सचेंजेस, अनायन एक्सचेंज मतलब अनायन का होता है जो नेगेटिव चार्जेस में होता है, ठीक है। जो फ्लोराइड होता है उसको हम लोग अनायन एक्सचेंजेस से रिमूव कर सकते हैं, जो रेजिन्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्म में भी हो सकता है या आपका अमोनियम टाइप में भी हो सकता है और क्लोराइड के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। बट द एफिशिएंसी इज लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अदर अनायन लाइक बाइकार्बोनेट, क्योंकि अगर वाटर में क्या होता है कि दूसरे दूसरे अनायन जो बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड सल्फेट होता है, इसके वजह से क्या होता है कि अनायन एक्सचेंज की कैपेसिटी कम हो जाती है, निकाल सकता है फ्लोराइड्स को, बट दूसरे अनायन से करेंगे तो उसमें वो इंटरफेयर कर जाएंगे, जिससे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाता है अनायन एक्सचेंजेस, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन की अगर बात करूं, एक्टिवेटेड कार्बन, तो एक्टिवेटेड कार्बन हैव बीन नोन टू हैव कैपेसिटी फॉर रिमूवल ऑफ फ्लोराइड्स, तो ये काफी अच्छे से फ्लोराइड रिमूव कर सकता है। एंड एक्टिवेटेड कार्बन फ्लोराइड हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय कार्बोनाइजिंग, जो इंडिया में जो डेवलप किया गया है, पैडी जो होता है, पैडी पैडी में पैडी को कार्बोनाइज करते हैं, ठीक है। पैडी हस्क जो होता है या सॉडस्ट होता है, जो पैडी जो हम ग्रो करते हैं क्रॉप, ठीक है, या सॉडस्ट होता है, उसको हम कार्बोनाइज करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं प्रेशर पे, ठीक है, विद अल्कली, तो अल्कली उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, फिर अदर 2% एलन सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, तो इससे आपका एक्टिवेटेड कार्बन बन जाएगा, जो आप बोलते जिसको एक्टिवेटेड कार्बन जो इंडिया में बनाया गया है, ठीक है। और ये क्या करता है कि 320 ग्राम फ्लोराइड पर किलोग्राम ऑफ ट्राई मटेरियल, तो जितना ट्राई मटेरियल आप
सॉडस्ट या पेडिकल हो गए उतना उतना लोगे तो पर किलोग्राम एक किलोग्राम अगर आप एक एक के जी ये एक्टिवेट कार्बन लेते हो जिस तो आपने बनाया ये मटेरियल मिला के ठीक है अगर एक के जी बनाया अगर आपने बनाया तो एक के जी ये मटेरियल जो है एक्टिवेट कार्बन जो है ये कम से कम 320 मिलीग्राम जो आपका फ्लोराइड निकाल सकता है ठीक है द स्पेंट मटेरियल कुड बी नियर बाय स्मोकिंग जो स्पेंट मटेरियल जो रिजनरेट कर रहता है 2% एलम सॉल्यूशन में डालना पड़ता है 14 दिन तक आप वो कर सकते हो ठीक है द ग्रैनुलर एयर एक्सचेंज होता है एक और टेक्निक होता है एक्टिवेट टेक्निक होता है ठीक है जो कि होता है अ ग्रैनुलर एक्सचेंज मटेरियल जिसको बोलते हैं एक्टिवेट कार्बन भी बोलते हैं ठीक है डीफ्लोरॉन 2 ठीक है सल्फोनेटेड कोल ऑपरेटिंग एल्युमिनियम साइकिल हैज बीन डेवलप्ड इन द कंट्री तो डीफ्लोरॉन 2 भी हमने आईएचएच से चुकी है एक्टिवेट कार्बन जैसे काम करता है ठीक है इसको हम लोगों ने डेवलप किया ये नाम याद रखना डीफ्लोरॉन 2 द कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल इज स्टिल टू जो है ये 500 ग्राम ऑफ फ्लोराइड जो निकल सकता है पर मीटर क्यूब ऑफ डीफ्लोरॉन 2 जिसमें 5 मिलीग्राम अगर 5 मिलीग्राम तक अगर फ्लोरिन अगर है या 150 मिलीग्राम पर वाटर की एल्कलिनिटी है तो 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फ्लोरिन तक निकाल सकता है ये डीफ्लोरॉन 2 मीडियम जो है ये जो एक्टिवेटेड कार्बन का मीडियम है इसकी 3 साल की लाइफ ठीक है डीफ्लोरॉन 2 इसका नाम है ठीक है और हाई एल्कलिनिटी जो होता है ऑफ वाटर कंसिडरेबली लोअर्स द कैपेसिटी एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ द बेड तो अगर हाई एल्कलिनिटी होगा तो काफी तक बेड की कैपेसिटी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी ठीक है और हाइड्रोक्सिल एल्युमिनियम 5 मिलीग्राम हैज अ डिलीटरस इफेक्ट अगर हाइड्रोक्सिल एल्युमिनियम 5 मिलीग्राम काफी ज्यादा एफिशिएंसी पे जो उसके रिमूवल एफिशिएंसी पे काफी इफेक्ट करेगा ठीक है एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मीडियम फॉल्स डाउन बाय 30% व्हेन हाइड्रोक्सिल एल्युमिनियम बिकम 25 मिलीग्राम अगर 30% तक एल्कलिनिटी रिड्यूस होता है 25 मिलीग्राम पर लीटर से हाइड्रोक्सिल एल्युमिनियम करेगा तो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है डिफरेंट टू का वो 1 रुपए से लेके 5 रुपए पर 1000 लीटर ऑफ वाटर तो हर 1000 लीटर ऑफ वाटर में ठीक है हर 1000 लीटर ऑफ वाटर में आपको 1 से 5 रुपए का कॉस्ट पड़ता है ठीक है तो वाटर अगर इतना सारा अगर आप ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो रहेगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसको हम यूज ज्यादा करते नहीं डिफरेंट टू का ठीक है ये हमेशा याद रखना ठीक है नेक्स्ट मैग्नीशियम सॉल्ट मुझे कुछ फॉर्मूले देंगे वो काफी एम्पिरिकल फॉर्मूले देंगे मैग्नीशियम सॉल्ट में ठीक है तो एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट फॉर सॉफ्टनिंग इफेक्ट्स रिमूवल ऑफ फ्लोराइड ड्यू टू इट्स एब्जॉर्प्शन बाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्लॉक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्लॉक के ऊपर जो होता है वो एक प्रॉपर सर्फेस बनाता है ठीक है अगर उसको हम लाइम ट्रीटमेंट डालते हैं तो वो फ्लोराइड जो होता है उसको चिपक जाता है फ्लोराइड उस पर एब्जॉर्ब कर जाता है ठीक है एंड इससे आप फ्लोराइड को इजीली निकाल सकते हो ठीक है तो फ्लोराइड रिडक्शन जो होता है इस फॉर्मूले से हम लोग करते हैं फ्लोराइड रिडक्शन जो होता है इट इज 7% इनिशियल फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इनटू अंडर रूट ऑफ मैग्नीशियम रिमूव ठीक है जितना मैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्लोराइड रिमूवल करना है तो उसमें मैग्नीशियम लेना जरूरी है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है मैग्नीशियम वाटर में फ्लॉक्स बनाएगा एंड वो फ्लॉक्स के ऊपर फ्लोराइड डिपॉजिट होगा ठीक है तो वो एब्जॉर्प्शन होगा ठीक है जितना ज्यादा मैग्नीशियम रिमूव होगा उतना आपका फ्लोराइड रिमूव होगा ठीक है तो आपका मैग्नीशियम जो होता है फ्लोराइड रिमूवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन मैग्नीशियम इज प्रेजेंट अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा तभी इसमें आप मैग्नीशियम सॉल्ट डाल सकते हो ठीक है और मैग्नीशियम इज सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट सॉल्ट्स का अगर डालोगे तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद एक और फॉर्मूला था मैग्नीशियम कैल्सिनेटेड मैग्नेटाइड होता है ठीक है इससे भी आप निकाल सकते हो ठीक है तो मैग्नीशियम डालो तो इसका फॉर्मूला ये रहता है ये फॉर्मूला याद रखना ठीक है और इसका फॉर्मूला ये रहता है ठीक है इसमें बेसिसिटी एब्जॉर्ब इनिशियल फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन होता है ठीक है अगर पीएच ऑफ वाटर ट्रीटेड ऑलवेज बियॉन्ड 10 एंड द करेक्शन ऑफ एसिडिटी इज एसेंशियल अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स ऑपरेंट रिमूवल ठीक है एब्जॉर्ब का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है और पीएच आपका 10 के बियॉन्ड होना चाहिए तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो राइट नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम सॉल्ट्स तो ये काफी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं फिल्टर एलम ठीक है एक्टिवेटेड एल्युमिनियम एल्युमिनियम एलम ट्रेडेड कटायन एक्सचेंजेस जिसको हम यूज करते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट होता है ठीक है फिल्टर एलम क्या होता है फिल्टर एलम जो हम लोग कोएगुलेशन के टाइम इसको यूज करते हैं जो सेडिमेंटेशन कोएगुलेशन में अगर आप आपके ट्रीटमेंट अगर कोएगुलेंट अगर आप यूज करते हो तो फ्लोराइड बहुत हद तक फ्लोराइड होता है इसलिए रिमूव करता है ठीक है क्या होता है कि आपके ये जो ट्रीटमेंट होता है ये आपके अर्बन सिस्टम में काफी एप्लीकेबल होता है गाँव में ऐसा होता नहीं ठीक है फिल्टर एलम क्या होता है फिल्टर एलम घर पर फिट कर यूज करते हैं तो उससे भी आपका कोएगुलेशन से आपका फ्लोराइड निकल जाता है ठीक है द रिमूवल एफिशिएंसी इंप्रूव व्हेन यूज अलोंग विद द कोएगुलेंट एंड लाइक एक्टिवेटेड सिलिका अगर आप एक्टिवेटेड सिलिका यूज करते हो तो आप उसका और भी एफिशिएंसी इंप्रूव होगा 300 से 500 मिलीग्राम एलम इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द 4-1 मिलीग्राम ठीक है तो आपको 4 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम पर लीटर अगर आपको फ्लोराइड निकालना है तो आपको 300 से 500 मिलीग्राम पर लीटर पड़ता है 1 लीटर के आपको 300 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक का आपको एलम डालना पड़ता है ठीक है तो फ्लोराइड का रिपोर्टेड टू बी रिड्यूस फ्रॉम 6-1 मिलीग्राम व्हाइल एलम डोसेस 100 मिलीग्राम तो अगर आपको 6-1 चाहिए तो आपको 100 मिलीग्राम तो जितना आपका डोज ज्यादा रहेगा उतना आपका एलम कम रहेगा ठीक है तो एलम ट्रीटेड पॉलीस्टीरीन कटायन एक्सचेंजर जो एलम ट्रीटेड जो पॉलीस्टीरीन कटायन एक्सचेंजर है या सल्फोनेटेड पोल्स है उससे भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो ठीक है
जिससे इतना 800 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फ्लोराइड निकल सकता है, ठीक है। फिर एक्टिवेटेड एल्यूमिना जो रहता है, ठीक है, वो भी फ्लोराइड निकल सकता है, ठीक है, जिसमें 1.2 केजी इसकी रिमूवेबल एफिशिएंसी है, ये याद रखना, ठीक है। बट डाइल्यूट एल्यूमिनियम सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट यूज्ड टू रीजनरेट द स्पेंट मटेरियल, ठीक है, दिस स्पेंट मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है। ये आपका हो गया एल्यूमिनियम सॉल्ट्स के बारे में। तो सिंपल मेथड ऑफ डिफ्लोरेशन अचीव एदर बाय फिक्स्ड बेड मीडियम, ये इससे हम लोग कर सकते हैं, या प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स से कर सकते हैं, ठीक है। A simple method of defloration is employed by Nalgonda technique. So, this is a very important technique in Nalgonda technique. It involves the use of aluminium soil for removal of chloride. We use aluminium soil, LM. The Nalgonda is the use of sequence of precipitation. We use precipitation, settling, filtration, or precipitation, flotation, filtration. And can be used for domestic as well as community water suppressing. We can use it. If we talk about simple method, the first thing is domestic treatment. So, domestic treatment, यहाँ सच में फिगर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो कि एक बकेट ले, जिसमें 40 लीटर वाटर कैपेसिटी रहती है, उसमें डालते हो। टैप को आप 3.5 मीटर से 3.5 सेंटीमीटर ऊपर रखते हो, ठीक है। इसमें पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, लाइम मिक्स करते हो, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करते हो, फिर एलम। तो एलम एक क्वांटिटी कैसे मिक्स करना, जितनी वाटर की अल्कलिनिटी रहेगी या वाटर में क्लोरीन रहेगा उसका, तो एलम मिक्स करना, एलम का डोजेज रखना, ठीक है। उसमें एलम मिक्स किया, फिर उसको 10 मिनट तक आपने स्टीयर किया, ठीक है। और फिर उसको सेटल करने के लिए 1 घंटा लगाया, ठीक है। फिर वो जो आपने सेटल हो जाएगा उसको आपने यहाँ से निकाल लिया, वो स्लज को, स्लरी को यहाँ से निकाल लिया, एंड क्लीन वाटर को आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डोमेस्टिक गांव लेवल पे आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो है, ये डिफरेंट जो आपका फ्लोरिन रहेगा, 2 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोरिन रहेगा, तो आपको इतना डोजेज रहेगा अल्कलिनिटी के लिए, ठीक है। तो जितना आपका फ्लोरिन कंटेंट ज्यादा रहेगा, उतना आपका जो आपका एलम डोजेज रहेगा वो उतना आपको ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आपको फिल एंड ड्रॉ टाइप, ये भी एक टेक्निक होता है जिससे आप निकाल सकते हो फ्लोरिन को, ठीक है। तो ये एक बैच मेथड होता है, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन 200 के आसपास अगर पॉपुलेशन है तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें हॉपर बटन टैंक रहता है, ठीक है, जिसकी डेप्थ 2 मीटर के आसपास रहती है, जो हैंड ऑपरेटेड भी कर सकते हैं, पावर से भी ऑपरेट कर सकते हो। रॉ वाटर इसमें पंप किया जाता है टैंक में, ठीक है। फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर, लाइम सोडा, एलम ऐड किया जाता है, सेम जिसे आपने किया, ठीक है। फिर उसको स्टीर किया जाता है 10 मिनट्स तक। फिर दो, यहाँ पे देखो, फिल एंड ड्रॉ टाइप में आपको सेटल करने में 2 घंटे देना पड़ता है, एंड आप डोमेस्टिक में आपको 1 आवर का सेटलिंग देना पड़ता है, ठीक है, सर 2 घंटे का। The defloated superintendent water is withdrawn and बाकी को सब 100% में सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें फीचर यह है कि इसमें पंप की कैपेसिटी एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है, जो 2-3 घंटे काम कर सके, ठीक है। एसएसएन हीटर इसमें काफी फ्यू रहता है, ठीक है। और उसमें बाद में क्या है, द लाइन कैन बी लोकेटेड, द प्लांट बी लोकेटेड ओपन विद प्रिकॉशंस टू कवर द मोटर, मोटर के साथ में, और सेमी स्किल्ड लेबर की जरूरत इसमें पड़ती है, ठीक है। तो मैं आगे अगर इसमें लेके जाऊँ, ठीक है, तो फिल एंड ड्रॉ, ये फिल एंड ड्रॉ टाइप है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, तो ये आपके कुछ होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं फ्लैट्स जो हम सपोर्ट करते हैं, ये फ्लैट्स आपके होते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैंड पोस्ट टू स्टैंड पोस्ट जाता है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको जो वाटर होता है, रॉ वाटर इसमें आपका एंट्री होता है, ठीक है। तो रॉ वाटर आपका इसमें ऊपर से आपका एंट्री रॉ वाटर का होता है, ठीक है। तो रॉ वाटर यहाँ पे एंट्री होगा, तो रॉ वाटर जैसे एंट्री होगा तो यहाँ पे फ्लैट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या होगा कि इसमें आपको एलम, अगर हम केमिकल फीड इसमें डालेंगे, केमिकल वगैरह डालते हैं ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से केमिकल डालने के क्या जाएगा, इसमें से केमिकल डालोगे तो आपका ये पूरा मिक्स होने के बाद 1 घंटे सेटल हो जाएगा। तो आपने ये वापस से ये आपको ओपन कर देते हैं स्टैंड पोस्ट के, स्टैंड पोस्ट में जहाँ पे वाटर जो गाँव वाले लोग पानी जाते हैं, तो उसको स्टैंड पोस्ट बोलते हैं, जो स्टेशन पर देखा स्टैंड पोस्ट उसको हम स्टैंड पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसकी 40 LPCD कैपेसिटी होती है। स्टीयर सपोर्ट, ये स्टीयर का सपोर्ट, इसमें स्टीयर कर सकते हो, ठीक है। एंड ये गेट वाला जिसमें ये जो ड्रेन होता है, इसमें ऐसा ओपन करते जैसे स्लेज निकल जाएगा, जैसे स्लेज निकल जाएगा यहाँ से वाटर डिस्टेंस। तो ये होगा आपका फिल एंड ड्रॉ टाइप, ठीक है। तो फिल आपको फिल करना है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिल एंड ड्रॉ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, इसमें क्या होगा, पूरा ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, 10 मीटर की कैपेसिटी होती है टैंक की, ठीक है। तो 5 हॉर्स पावर का आपका मोटर होता है, फिर आपका गियर बॉक्स होता है इसमें, फिर गियर बॉक्स का इसमें सब चीज इसमें इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 10 मीटर की भी कैपेसिटी होती है, सम्पर होता है, ओवर हेड रिजर्वर होता है, ठीक है। और इसका लेआउट मैं आगे बताऊंगा, रॉ वाटर पंप किया जाता है, फिर नालगोंडा टेक्निक से ट्रीट किया जाता है, फिर ठीक है। और इसमें फिर ओवर हेड टैंक में स्टोर करता है, ठीक है। देखो तो ये आपको होता है फिल एंड ड्रॉ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, जिसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड आपका पूरा काम होता है, ठीक है। तो देखो ये रॉ वाटर बोरवेल है, तो बोरवेल से वाटर को पंप किया, पंप करके यहाँ पे आपने सम्प करके यहाँ पे आप लिखे गए, फिर यहाँ पे आपने ट्रीट किया इसको, ठीक है। फिर केमिकल फीडिंग यहाँ से किया, केमिकल फीडिंग करने के बाद जो भी है, यहाँ पे अपने ड्रेन पाइप से अपने डिफ्लोरेशन यूनिट है, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से स्टोरेज कर लिया, ठीक है। फिर स्टोरेज के लिए यहाँ पे ओवरहेड टैंक पे गए, फिर ओवरहेड टैंक पे पानी स्टोर हुआ, फिर स्लो स्लो स्लो। तो ये आपका नालगोंडा टेक्निक, ये आपका जो होता है, ये फिल एंड ड्रॉ टाइप, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, ठीक है। तो
फिर उसके बाद की अगर बात करूँ प्रेसिपिटेशन फ्लोटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो ये आपका होता है ये भी ट्रीटमेंट डोमेस्टिक ट्रीटमेंट जो कि इसमें 100 लीटर कैपेसिटी का टैंक होता है, ठीक है, और इसमें पंप्स एंड सेल जो होता है ये डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन इसमें किया जाता है, ठीक है, तो इसमें रॉ वाटर पर सेल में मिक्स किया जाता है एल्यूमिनियम में, फिर बाद में एयर को वाटर के जो वाटर में जो होता है कंप्रेस्ड एयर इसमें पास किया जाता है, फिर ट्रीटेड वाटर को हम लोग कलेक्ट करते हैं फिल्टर, फिर फिल्टर करके इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें 100 लीटर का वाटर लगता है, ठीक है, और 20 मिनट्स तक का इसमें कर सकते हो, ठीक है, और आगे अगर बात करें इसमें आप तो ये आपका इस तरह से कुछ आपको दिखता है, ये आपका होता है, ठीक है, तो इसमें आपका रॉ वाटर पहले रॉ वाटर का देखोगे रॉ वाटर पहले यहाँ पे आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे एयर फीडर रहता है, ठीक है, ये रिएक्टर रहता है, इसमें आप क्या करोगे इसमें आपका फिर पहले केमिकल जो केमिकल्स को ऐड करोगे, ठीक है, तो केमिकल्स को इसमें ऐड करोगे, ठीक है, ये फिल्टर पे ऐड करोगे, फिल्टर सेटल होगा, फिल्टर पर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, स्लज जो है स्लज के यहाँ से बाहर निकल लेंगे, बैक वॉश यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, और एयर सप्लाई करने के लिए आपको एयर यहाँ से आप सप्लाई करोगे, ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी तो नेक्स्ट आप करेगा क्या, नेक्स्ट आप करेगा मैकेनिज्म ऑफ नैलगोना टेक्निक, तो इसमें केमिकल रिएक्शन कभी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी इसमें एल्यूमिनियम रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम टर्बिडिटी सबका रिएक्शन होता है, लाइम रहता है, सोडियम कार्बोनेट रहता है, काफी सारे इसमें बायोलॉजिकल ग्रोथ भी रहता है जिसमें आपको निकलना पड़ता है इसमें, ठीक है, तो इसमें सब कुछ रहता है, तो दैट्स व्हाई इसका मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कभी जो विलेजेस ये होता है, ठीक है, तो ये रॉ वाटर को विलेजेस में ट्रीट के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें चैनल मिक्सर होता है, पेपल फ्लोकेशन सेडिमेंटेशन टैंक ये सारे चीज होता है, ठीक है, और 500 इतने लोगों तक 5000 पॉपुलेशन है उसको हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जो डिजाइन क्राइटेरिया जो होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, तो वाटर कंजम्पशन जो होगा इसमें 70 एलपीसीटी का कैपेसिटी रहता है वाटर कंजम्पशन का, ठीक है, तो वाटर कंजम्पशन की जो कैपेसिटी रहती है वो 70 एलपीसीटी रहती है इसमें, ठीक है, उसके बाद आपका 30 सेकंड्स का डिटेंशन टाइम रहता है फ्लैश मिक्सिंग में, 30 मिनट्स का लेवल फॉर 30 मिनट्स का डिटेंशन टाइम रहता है, साइज ऑफ मीडिया 20 to 40 mm, 1.2 मीटर का मीडिया रहता है, रेट ऑफ बैकवॉश 1 मीटर पर मिनट, सेडिमेंटेशन 3 मीटर का डेप्थ होता है टैंक का, वेयर लोडिंग में जितना रहता है, सैंड ग्रेविटी बिल्कुल 2 मीटर का डेप्थ ऑफ सैंड रहता है, ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इतना रहता है, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत याद रखना, ये होता है डिजाइन क्राइटेरिया फॉर दिस टैंक, ठीक है, ओके, फिर आपको ये आपका साइज ऑफ यूनिट्स के बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो देख लेना एक बार कि कौन कौन से यूनिट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, और नैलगोना टेक्निक का एडवांटेज बैक्टीरिया कलर और टर्बिडिटी सबको निकाल सकते हैं, दैट इज द एडवांटेज ऑफ नैलगोना, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल ऑफ टेस्ट, टेस्ट में आपको पता है टेस्ट आपको कैसे कैसा आता है, स्वीट टेस्ट आता है वाटर में जो सर्फेस वाटर होता है उसमें टेस्ट आता है, डिजॉल्व एज़ हाइड्रोजन गैसेस के साथ है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, मीथेन ऑर्गेनिक मैटर के साथ है, ठीक है, फिर आपका अमोनिया के साथ एग्रीकल्चर केमिकल इन सब के साथ आपको टेस्ट इन वाटर वाटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में बताता है एल्गी क्या रहता है, एल्गी ये सब जैसे सारे एल्गी से डिस्कस करता है, तो ये सब चीजें आपके वाटर में देता है, स्विमिंग पूल्स में आपके होता है, ठीक है, फिर इन शॉर्ट टेस्ट वाटर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स वाटर और केमिकल कंपाउंड्स ऑफ मेनी वेराइटी ऑफ डिफरेंट फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इसमें एक चीज होता है कि मोशन कंपाउंड सॉल्यूशन एंड सम एग्जिस्टिंग पार्टिकुलेट फॉर्म, ठीक है, सॉल्यूशन कंप्लीटली मोर डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है, सो इसमें काफी कभी 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 चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाती है रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव में जैसे आप रिजर्वायर को प्रिपेयर करके रख सकते हो, ठीक है, एल्गी कंट्रोल को इन सब के हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है, करेक्टिव में आप जैसे कर सकते हो पहले आप जो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो फॉर रिमूविंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह ब्लड में है तो उसके लिए आपको वाटर ट्रीटमेंट में आप इरेशन को प्रैक्टिस करते हो इरेशन, ठीक है, फिर क्लोरिनेशन से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें फिर बाद में ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन से सुपर क्लोरिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो इन सब से क्या कर सकते हो, इन सब वाटर में जो टेस्ट होता है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, अमोनिया से भी कर सकते हो, क्लोरीन डाइऑक्साइड जो काफी ज्यादा यूज होता है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो, ओजोन से कर सकते हो, आपका टेस्ट ऑर्डर को मिटा सकते हो, ठीक है, फिर बाद में एक और टेक्निक में बताया था एक्टिवेट कार्बन, तो आपने देखा होगा कि जितने भी आपके स्पेशल ट्रीटमेंट है उसमें एक्टिवेट कार्बन में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या बेड वगैरह रहता है उसमें सब चीज में दिया हुआ है तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये आपका एक्टिवेट कार्बन, तो एक्टिवेट कार्बन काफी इंपॉर्टेंट होता है, देखा होगा हर इसमें एक्टिवेट कार्बन आ रहा है, ठीक है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी जो कि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्सॉर्प्शन कार्बन, तो एड्सॉर्प्शन जो एक्टिवेट कार्बन रहता है पूरा एड्सॉर्प्शन के ऊपर एड्सॉर्प्शन में डिपेंड करता है, ठीक है, हम लोग कल एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ लेंगे, एड्सॉर्प्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि हमारा और उसके ऊपर कुछ आइसोथर्म्स के ऊपर पढ़ लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे, ठीक है, तो ये आप करेगा एड्सॉर्प्शन के ऊपर और जो मैं कल तक पढ़ाऊंगा सॉलिड वेस्ट वाटर में वो आप करेगा ISA2 का सिलेबस, राइट, सो लेट्स फिनिश दिस टुडे, उसका रिकॉर्डिंग जो आप करेगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।